इन चीजों के साइड इफेक्ट जिन्हें शायद ही आप जानते थे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कितना पैसा मिलता है, और दोस्तों क्या आप जानते हो हमें खर्राटे क्यों आते हैं, और तो और हर कंपनी रिचार्ज सिर्फ 28 दिन का ही क्यों देती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों हम सभी को लगता है कि अगर कोई इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या किसी अदर बुक में अपना नाम रजिस्टर कराता है तो उसे काफी पैसे मिलते होंगे, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इस तरह की बुक में अपना नाम रजिस्टर कराना चाहता है तो ये संस्था 700 से लेकर 1,00,000 तक चार्ज करती है, जिसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट ही उस इंसान को पूरी दुनिया में रेपुटेशन दिलाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी बुक है जिसमें सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। नंबर 9, दोस्तों आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में काफी सुना होगा, बट क्या आप इन दोनों में डिफरेंस जानते हो? दरअसल सूर्य हमारे सौर मंडल में एक जगह स्थिर है, और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके अलावा चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वही सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। इसमें चंद्रमा सूर्य को आधा या पूरा ढक लेता है। वही दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो तब चंद्र ग्रहण होता है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को अपनी छाया से ढक लेती है। नंबर 8, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से इन कंट्रीज में भी गाड़ी चलाई जा सकती है। बहुत से लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट दोस्तों ये पॉसिबल है। आप भारतीय लाइसेंस से अमेरिका, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका और मलेशिया में गाड़ी चला सकते हो, और आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी कुछ नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना जरूरी है। नंबर 7, दोस्तों हमें खर्राटे क्यों आते हैं? दरअसल दोस्तों खर्राटे आने का असली रीजन सांस के रास्ते में ट्रैफिक का होना है। जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, और हमें सोते समय ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसी ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट के लिए हम सोते समय ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, बट रास्ते में ट्रैफिक होने के कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, और इसी वजह से हमें खर्राटे आने लगते हैं, और हम इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। यह बीमारी मोटापा होने के कारण या हमारे नाक और मुंह में सूजन होने के कारण होती है। नंबर 6, दोस्तों ये कुछ ऐसे कानून है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। लॉ नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कोर्ट द्वारा पुलिस को इस बात का लिखित अधिकार दिया गया ना हो। लॉ नंबर 2, दोस्तों आपके एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40,00,000 रुपए तक इंश्योरेंस मिलती है, यानी कि अगर आपके गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता है तो आपको 40,00,000 रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। लॉ नंबर 3, पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी ऐसे क्राइम के लिए आपको दंड नहीं दे सकता है जिसका जुर्माना 100 रुपए से ज्यादा हो। अगर आपने एक से ज्यादा कानून के नियमों का उल्लंघन किया है तो आपका चालान काटा जा सकता है। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हो गोल घूमने के बाद हमारा सर क्यों चकराने लगता है? दरअसल जब हम गोल घूमते हैं तो हमारे कानों में प्रेजेंट सेंसिटिव द्रव्य भी घूमने लगता है, और यह द्रव्य हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, और जब हम घूमना बंद कर देते हैं तो यह द्रव्य कुछ देर तक घूमता ही रहता है, और यही रीजन है कि गोल घूमने के बाद हमारा सर चकराने लगता है। नंबर 4, सांप एक जहरीले जानवर की प्रजाति है। सांप के काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है, लेकिन सांपों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती है, और दोस्तों सांप लगभग दुनिया के हर प्लेस पर पाए जाते हैं, बट क्या आप जानते हो सांप कितने सालों तक सो सकते हैं? अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सांप लगातार 3 साल तक सो सकते हैं। वही दोस्तों अफ्रीका के सांपों को दुनिया के सबसे डेंजरस सांपों में गिना जाता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं हमारा रिचार्ज सिर्फ 28 दिन का ही क्यों होता है? दोस्तों इसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला रीजन यह है, कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 दिन होते हैं, और फरवरी महीने में कभी 28 दिन होते हैं तो कभी 29 दिन होते हैं, इसीलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही। वही इसका दूसरा रीजन यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनी 28 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे, बट इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे सिम कार्ड कंपनी हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज कराती है। नंबर 2, भारत में कई सारे ब्रिजेस है, लेकिन कुछ ऐसे पुल है जो अपनी खुद की पहचान रखते हैं। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज भी एक ऐसा ही पुल है। यह ब्रिज सालों से कोलकाता का पहचान रहा है। यह ब्रिज इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। वही हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है। नंबर 1, दोस्तों आप रोज कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो जिनके काफी सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पल्स की 2 साल में 1 रुपए की ट्रॉफी से 300 करोड़ की सेल्स होती है, बट क्या आपको पता है पल्स कैंडी को किन चीजों से बनाया जाता है और आपके लिए सेफ भी है नहीं? तो चलिए जानते हैं। पल्स कैंडी में शुगर, सॉल्ट और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसके वजह से उसके अंदर वो सॉल्ट के साथ है जो छोटे बच्चों को खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये उनके दिल की हार्ट बीट बढ़ा सकता है। वही कुरकुरे बहुत लोगों का फेवरेट स्नैक है जिसे बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी झूठ है। इसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिनमें से विटामिन मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और उसमें सिर्फ फैट बचता है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।